हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेजर हंट। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की बड़ी। जो बड़ी हम तोड़ते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो उनको बनाएंगे। तो इसके लिए हम छिलके वाली दाल भी यूज कर सकते हैं या फिर बिना छिलके वाली। अगर हमको ज़्यादा छिलका नहीं चाहिए तो हम हाफ, जैसे 1 कप छिलके वाली, 1 कप बिना छिलके वाली, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं इसके बनाने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से 5 घंटे के लिए दाल को भिगो देंगे, या फिर हम फुल नाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ये यहाँ दाल सारी रात भिगोई थी, तो ये इस तरीके से अच्छी तरीके से वॉश करके अब हम इसको अपने मिक्सी के जार में डालेंगे। तो जब मिक्सी के जार में इसको हम डालेंगे तो हम पानी का यूज नहीं करेंगे इसमें, पीसने के लिए पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो मेरी ये दाल है, 2 कप करीब दाल है, तो इस तरीके से इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें ये लाल मिर्ची, अगर आपके पास ये बिना पिसी हुई लाल मिर्ची नहीं है तो आप पिसी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। इससे क्या होगा, जो कीड़े वगैरह है उसका डर नहीं रहता। और ये कुछ थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें अदरक, हाफ टेबल स्पून डालूंगी मैं टेस्ट के लिए इसमें हींग, हींग पाउडर। और कलर के लिए डालूंगी, वो इसके अच्छे कलर के लिए आप हल्की सी हल्दी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हल्दी यूज नहीं कर रही, हल्का सा जो खाने वाला कलर होता है वो यूज करूंगी। तो इस तरीके से मैंने एक बारी में ये डाल दिया है, ताकि ये मैं टू ये दाल जो है मैं 2 टाइम में पीसूंगी इसको। और हमको स्लो स्लो ही पीसनी है, और ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसेंगे हम, हल्की सी दरदरी रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो दाल है वो इसका रेडी हो चुकी है। जब हम, क्योंकि हमने ये पानी नहीं डाला है इसमें बिल्कुल भी, तो हम जब इसको पीसेंगे तो बीच बीच में इसको हम स्पून की हेल्प से चलाते रहेंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। देखिए टेक्सचर एकदम अच्छा है इसका। इसी तरीके से हमारी जो बाकी की दाल है वो भी हम पीस लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने इसमें जो मसाले ऐड किए थे, हींग अदरक वगैरह मिर्च, सेकंड टाइम में मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करके बड़ी तोड़ने के लिए मैं ले रही हूँ कॉर्न, और ये मैंने प्लेट ली है, आप पॉलिथीन भी ले सकते हैं। ये मैंने ग्रीस कर ली है अच्छी तरीके से, और इसमें इस पेस्ट को भर के हम बरी तोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको भरने के बाद हम इसको प्रेस करते जाएंगे, और जिस साइज की भी हमको बरी चाहिए हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग हाथ से भी बना लेते हैं इस तरीके से। हमारी जो बरी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, हम जब बरी बनाएंगे तो उस दिन जो धूप है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि फर्स्ट डे की जो धूप इसको अच्छी लग जाती है ना, तो ये ख़राब होने का डर नहीं रहता। ये बरी जो है वो आप अपने साइज, अपनी छोटी बड़ी अपनी पसंद से बना सकते हैं, साइज रख सकते हो, छोटी बड़ी बनानी है तो छोटी। इस तरीके से हम सारी तोड़ लेंगे बरी। जब हम बरी बनाएंगे तो इसको हम इस तरीके से उठाते हुए बनाएंगे, ताकि फैली फैली हमारी बरी ना बनकर अच्छी सी बने इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी बरी है ये टूट चुकी है। अब हम इसको
3 से 4 दिन की धूप दिखाकर अच्छी तरीके से सुखाकर एयरटाइट डब्बे में हम बंद करके इसको रख देंगे। और जब हमको सब्जी बनानी होगी बरे की, हम बनाएंगे। और ये जो बरी है, ये बनने के बाद आपकी लॉन्ग टाइम चल सकती है, 1 साल तक आप इसको रख सकते हो, यूज कर सकते हो, रख सकते हो। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।